बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। विपक्ष के निलंबित विधायकों की सदन में वापसी हो गई है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने गतिरोध को तोड़ने के लिए पहल की और सत्ता पक्ष ने इसे स्वीकार किया है। सदन में प्रस्ताव रखा गया था जिसमें निलंबन को वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है, सदन में सार्थक चर्चा हो यह आवश्यक है, संवाद ही विवाद का हल होता है। अच्छी चर्चा हो सदन के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए सार्थक चर्चा में सब सत्ता पक्ष और विपक्ष भाग ले, उस दृष्टि से एक पहल आज हुई। दो तीन दिनों से लगी हुई थी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज सब लोग आकर के स्पीकर साहब के यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि आओ खत्म करें इस बात को। वैसे भी हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कुछ नहीं था और ना होता है ना होगा। हमारी ओर से सिर्फ बात एक ही थी जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन जब आज उन्होंने अपने तरफ से अध्यक्ष महोदय के समक्ष में उनके चैम्बर में बात कही कि खत्म करते हैं, चर्चा किए भी नहीं खत्म करते, तो हमने कहा ठीक है और सदन में प्रस्ताव पारित हुआ। और प्रस्ताव पारित होने के बाद अब व्यवस्थित ढंग से जिस तरह से नियमित हमारी कार्यवाही सदन की चलती है, उम्मीद करता हूँ उस तरह से चलेगी, सार्थक चर्चा होगी। कल बजट का प्रस्तुतिकरण है और बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान सब लोग हम उपस्थित रहेंगे और उपस्थित होकर के जो है सारी उसके बाद जो चर्चा करनी होगी उस पर बाद में चर्चा भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी मैंने अंदर भी हाउस में भी कहा, देखिए कोई भी विवाद होता है संवाद उसका समाधान होता है, पर आज भी उसी तरह से विवाद का समाधान संवाद हुआ, चर्चा हुई है। तो आने वाले समय में ये दौर होते रहेंगे, बैठेंगे चर्चा करेंगे क्या रास्ता निकलता है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन को सरकार अकेले नहीं चला सकती, विपक्ष सदन की आत्मा है। और सेकंडली हमने ये कहा था, विधानसभा जो है शर्तों से नहीं चलती है। अगर आप कहें कि जैसे लगातार आ रहा था ये माफ़ी मांगो फला मांगो, हमने कल भी कहा था कि ऐसा संभव ना हुआ है कभी ना होगा, तो इसलिए इससे हटके जिस ढंग से निलंबन बहाल होते रहे हैं, आप उसी तौर तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत आप बहाल करें। हमारा डेलीगेशन की आज जो बात हुई मुख्यमंत्री से और स्पीकर से, संसदीय कार्य मंत्री से और श्री महेंद्र सिंह जी से, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा और हमें पत्र दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं, तो उसके बाद ही हम आ रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं जिन पे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं, अब वो उठेंगे। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।